44 पर क्वेश्चन नंबर 20 एमएथ वेवलेंथ बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लेमडा निकालते हैं, तो मान के चलेंगे कि लाइमन का दिया है तो एन इक्वल टू एम टू एन इक्वल टू वन लेंगे। अब इसके लिए रिजिबर लगा देंगे, वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम का स्क्वायर। और दूसरा दिया है, इसका पहले लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा क्या हो जाएगा इसका? आर, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस, तो लेमडा क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर अपॉन होगा ना। अब दूसरे पार्ट को निकालते हैं, एन इक्वल टू एन टू एन इक्वल टू वन, वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा इसका एन स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर माइनस, दोनों को लेमडा का क्या निकालना है? रेशियो। ये इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन टू मान लो, तो वन बाई टू कर देते हैं, तो लेमडा वन बाई लेमडा टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, आर से आर गया, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इन टू एन स्क्वायर माइनस वन, ये ऊपर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर इन टू एम स्क्वायर माइनस वन, यही दिया है, यही दिया है ऑप्शन में ना। लेकिन एमएथ लाइन लिखेगा ना तो एम प्लस वन लेना पड़ेगा, ये एमएथ वेवलेंथ बोल दिया है। हाँ, एम प्लस वन लेना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? लाइन सीरीज बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज टू से वन, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो जब लाइन का नाम लेगा ना तो एमएथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो यहां लाइन का नाम नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में अगर मैं हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लिखूं तो यहां क्या होगा? -13.6, यहां क्या होगा? -0.,  इतना याद होना चाहिए। अगर मैं हीलियम प्लस के लिए लिखूं तो यहां क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां क्या होगा? यहां क्या हो जाएगा? होगा ना। अगर मैं लिथियम प्लस के लिए लिखूं, प्लस टू के लिए, यहां क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा इनटू, होगा ना। अगर मैं बेरिलियम के लिए लिखूं, यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? इनटू क्या होगा? हाँ, अब इसका देखो, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, इसका सेकेंड ऑर्बिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 13 पॉइंट। इसके थर्ड ऑर्बिट का कितना आला वैल्यू? लगभग इतना आएगा। इसके फोर्थ का कितना आ रहा है? यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी, लिथियम प्लस टू के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी और बेरिलियम प्लस थ्री का फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? ये हमें याद है तो इस सम निकाल पा रहे हैं।
अदरवाइज हमें निकालना पड़ता। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी और हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी बराबर है, लिथियम प्लस टू के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी बराबर है और बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी बराबर है, यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यही बोल रहा है ना एनर्जी किसका है। ये तो हमें याद है और इसको हमें निकालने आता है, तो हम निकाल के कंपेयर कर देंगे, देख लो एक बार आ रहा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग दी एन इक्वल टू फाइव टू एन इक्वल टू टू। इसमें लेमडा निकालना है, निकल जाएगा ना, नैनोमीटर में पूछा है तो रिजबर्ट का फॉर्मूला रख के निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इमिटेड रेडिएशन लोएस्ट वेवलेंथ। लोएस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या चेक करेंगे, किसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है उसका लेमडा क्या होता है कम, तो एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, सेकेंड टू वन का, क्योंकि कल हमने बताया था इस चीज को कि जैसे जैसे हम ये एनर्जी डिफरेंस देखने लगते हैं वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस कम आने लगता है। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसीलिए तो इसका लेमडा क्या आता है, सबसे शॉर्टेस्ट आता है। अगर पूरे अगर सबसे शॉर्टेस्ट लेमडा निकाल देखना है सब में, लाइमन बावर पहचान सब में सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा लेमडा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन की होगा ना, सारे को मिला दो लाइमन बावर पहचान ब्रैकेट, सबसे छोटा लेमडा किसका आएगा, लास्ट लाइन ऑफ वही मैं सोच रहा आएगा ना, कि उसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, यानी सबको मिला दो तो सबसे छोटा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का लेमडा आएगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज सबसे लॉन्गेस्ट, हम्प्री का लास्ट आएगा, क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस सबसे कम आएगा तो लेमडा लॉन्गेस्ट आ जाएगा। तो जिसका अब यहां पर देखना है, जिसका डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो लेमडा कम आएगा, तो किसका एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, टू से वन का, इसका लेमडा शॉर्टेस्ट आएगा, लोएस्ट वेवलेंथ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें अब क्या करना है, अब कुछ इसमें कैलकुलेशन है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल देना और लाइट की स्पीड कितना होता है, 3×10⁸ होता है ना, उससे कंपेयर कर देना, एक बार यूनिट देख लेना कि मीटर में निकाल लो कि सेकंड में निकाल लो, मीटर में या सेंटीमीटर में, निकल जाएगा ना, दोनों में डिवाइड मार देना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5 टू ग्राउंड स्टेट लेवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट इमिटिंग एनी लाइन ऑफ बामर सीरीज, नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशन। अगर 5 से अगर 1 में आए तो टोटल कितना अलग अलग वेवलेंथ होगा, 10 होगा ना, उसमें से बामर को निकाल दो 3 निकलेगा, बामर में कितने आते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला उतना ही लगेगा कि टोटल कितने,
देखो इधर, हमें फिफ्थ सेवन में आना है, 1 2 3 4 5 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 1 2 3 4 5 लेमडा 6 लेमडा 7 लेमडा 8 ये नहीं, लेमडा 9 10 वाला कहां होगा? यहां से यहां आ जाए और यहां से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 10 होगा। अब इसमें हमें बामर को हटाना है तो टोटल कितने लेमडा हो गए? 5 से अगर 1 में आए तो 5 से 1 आए तो 10 आया। बामर को हटाना है, ये बामर है, ये बामर है, ये बामर है, इसमें से 3 क्या कर देंगे? माइनस, कितना आ गया? 7। अभी अब ध्यान दो इधर आगे लॉजिक। अब इसमें क्या करेंगे? अब ध्यान देना, सही बोल लो, नहीं सही है, वही कंसेप्ट है। जब ये यहां से आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तब ये यहां से यहां आएगा ना? हाँ, ये वाला यहां आएगा तब तो यहां से यहां आएगा। मान लो तुम जंप मार रहे हो फिफ्थ फ्लोर से, तुम जब तक यहां नहीं आओगे तब तक यहां आ नहीं सकते, और तुम इसको कंसीडर कर रहे हो, तुम इसको कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें 2 पे आना ही नहीं है, यहां तुम्हें आना ही नहीं है। अब यहां पर ये आया होगा तब तो यहां आया होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आया नहीं होगा, यहां इसका जंपिंग यहां से यहां आए ना, इसका मतलब ये पहले यहां आया होगा तब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यहां आया होगा तब तो यहां आया होगा, इसका मतलब इसको हमें कंसीडर, अब ये वाला यहां से यहां इसको कंसीडर, क्योंकि यहां आया होगा तब तो यहां आया होगा, इसको तो यहां से यहां वाला कंसीडर, क्योंकि यहां आया होगा तब तो यहां आया। हम बोल रहे हैं कि इस लाइन को बिल्कुल खाली जगह छोड़ दो, तो जब इसको लाइन को हटा दोगे तुम, जब इस लाइन को तुम काउंट ही नहीं कर रहे हो, जब इस लाइन को तुम काउंट ही नहीं कर रहे हो, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो जब ये लाइन यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये कहां से आ जाएगा? ये कहां से आ जाएगा? ये वाला नहीं आएगा ना, क्योंकि लाइन यहां पर है ही नहीं। मान लो फ्लोर को ही तुम हटा दिए, इस फ्लोर को ही तुम हटा दिए, अब सोच लो ऐसा कि 2 लाइन हमारे लिए है ही नहीं, 1 3 4 और 5 2 को हटा दो पूरा। अब सोच लो इसमें कितना आएगा, 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, और कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसका मतलब तुम 2 को बिल्कुल हटा ही दियो। ये नहीं बोला जाए कि लाइमन में कितना होगा, जब तक तुम 2 रख रहे हो तब तक ये वाला कंसीडर कर रहे हो। कल एक ऐसा और क्वेश्चन आया था, लाइमन वाला आया था, ये बामर वाला है, तो बामर में मतलब 2 लाइन है ही नहीं हमारे लिए। नहीं नहीं, वो बोला है कि 5 to 2 बामर में नहीं आना चाहिए, बामर में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तुम बामर में नहीं आने का मतलब ये हुआ कि तुम यहां से यहां, जब तुम यहां से यहां आओगे इसका मतलब क्या हुआ? तुम यहां पर आओगे तब नहीं यहां आओगे, तब तुम यहां आए ही नहीं। यानी जो यहां पर गिर रहा लाइन, यानी
यहां से यहां तो तुम ले नहीं रहे हो, यहां से यहां तुम ले रहे ले नहीं रहे हो, यहां से यहां ले नहीं रहे हो, तीन हटा रहे हो ना, तीन हटा रहे हो, यहां से यहां वाला नहीं ले रहे हो, यहां से यहां नहीं ले रहे हो, यहां से यहां नहीं ले रहे हो, लेकिन यहां से यहां क्यों ले रहे हो तुम? इसका मतलब तुम यहां आए होगे तब तो यहां आए होगे, तुम यहां आए ही नहीं तो ये कैसे तुम ले लिए? यानी एक लाइन और निकल जाएगा ये वाला, तो ये तो हमने ऐसे भी काउंट नहीं किया था, ये तो हमने ऐसे भी काउंट नहीं किया था, ये काउंट किया था हमने, इसलिए इसको भी निकाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो फिर से बताएं। आया समझ में? चलो टू से वन वाला भी हटा देंगे, क्यों? क्योंकि जब हम टू पे गए ही नहीं तो हम टू से वन कैसे आ जाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक लगाया जाता है, यहां पर एक ही फॉर्मूला बस काम करेगा टेन वाला, इसीलिए ड्रॉ करना बेटर रहता हमारे लिए। सबको समझ में आ गया? ये वाला नहीं लेना, ये वाला तो हम ऐसे भी काउंट नहीं कर रहे थे, और ये वाला काउंट कर रहे थे टू से वन वाला, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आया, तो तुम इसको केवल रिजेक्ट मार रहे थे, इसको भी रिजेक्ट मारना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब यहां आए ही नहीं तो तुम यहां से यहां कैसे जंपिंग करोगे? और ये हम तो ऐसे भी नहीं काउंट कर रहे थे, तो एक और घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर ऑर्बिट का डायमीटर दे रखा है, बोहर ऑर्बिट सेम रिप्रेजेंटेशन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो रेडियस निकाल लो, रेडियस कितना दिया हुआ है 10.3 नैनोमीटर में दिया है, और हमारा वैल्यू किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि जो हम फॉर्मूला जानते हैं रेडियस का, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा हूं, ये क्लियर हो गया सबको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर बोले कि लाइमर में बामर में नहीं चाहिए, बामर वाला लाइन ही हटा दो पूरा, समझ में आया क्या? बामर वाला लाइन हटा दो पूरा, उसके बाद जो लाइन मिसिंग कर दो उसको, उसके बाद चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 26, डायमीटर दे रखा है 20.6 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10^-1 से कर देंगे, 10.3 नैनोमीटर है, तो इसको बदल लो मीटर में, क्या हो जाएगा? 10.3 × 10^-9 मीटर। अब एक के एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, उल्टा बोलो, 1 मीटर में 10^10 क्या होगा? होगा ना, 1 मीटर में इतना एंगस्ट्रॉम होगा, इतना मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा? 1 मीटर में इतना, इतना मीटर में 1 मीटर में, यानी ध्यान रखना कि नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, बस डायरेक्टली अगर सोचना है तो, नहीं तो प्रोसेस से जाना है तो पहले इसको मीटर में बदल दो, और मीटर से किसमें बदल दो? एंगस्ट्रॉम में, तो नैनोमीटर को बदल दो मीटर में, और मीटर को बदल दो एंगस्ट्रॉम में, या डायरेक्टली नैनोमीटर को बदलना है एंगस्ट्रॉम में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 10, यानी 103 = 0.529 × n² हाइड्रोजन के लिए बोला है ना, n का वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा ना, क्या आएगा n का वैल्यू?
103 अपॉन 0.529 अंडर रूट कितना रहा है? हाँ अप्रोक्सीमेट ही आएगा 103 डिवाइडेड बाई 0.529 194 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 196 अगर ले लेंगे अप्रोक्स तो हमारा ये वैल्यू एग्जैक्ट जो आ रहा है रूट अंडर 194 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, मतलब 195 नहीं मान के हम 196 मान लेते हैं, आंसर 14 आएगा। इतना अप्रोक्स मानना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एक्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको राउंड कर लो, डी ब्रोगली जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना है, टोटल न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एन इक्वल टू 1 to एन इक्वल टू इंफिनिटी। इसमें एटम का नाम नहीं लिया हुआ है, 28 नंबर बता रहा हूं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कितना दिया है? 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो कई तरीके से बना सकते हैं, रिजवर्ड भी लगा सकते हैं, या इजीएस्ट अगर है तो हाइड्रोजन से कंपेयर करवा दो। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? होगा ना, हाइड्रोजन के लिए 13.6 होगा, किसी दूसरे एटम के लिए क्या होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होगा, और यहां क्या होगा? जीरो। हाइड्रोजन के लिए 13.6 होगा, किसी दूसरे एटम के लिए जिसको हमें मालूम नहीं है, दूसरे एटम के लिए एनर्जी क्या होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होगा, और यही ये वैल्यू दे रखा है। तो 217.6 इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, माइनस हटा दो, हायर माइनस लोअर। अब यहां से जेड का वैल्यू निकाल देंगे, जेड कितना आएगा? डिवाइड मारो इसको, 4 आ रहा है ना, जेड का वैल्यू, जेड का कितना आएगा? 4। तो जेड 4 बोले तो किसके लिए लिया गया है? बेरिलियम प्लस 3 के लिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, मास क्या पूछा है क्वेश्चन में? न्यूट्रॉन कितना होगा? 9 - 4। अब इस क्वेश्चन को तो अलग अलग ढंग से भी बना सकते हैं, एनर्जी दिया है रिजवर्ड से बना लो, लेकिन ये आसान तरीका है कंपेयर करके, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और इसको बनाना ही बड़ी बात नहीं है, बना के हमें कंपेयर करवाना, अप्लाई करना, वो बड़ी बात उसकी कि हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। केवल याद करके छोड़ देना वो नहीं है कि याद करके हमने छोड़ दिया क्वेश्चन को, इसीलिए एक एक क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूँ, कैसे इसको साथ इससे कंपेयर करवाओगे, इसको यूज कैसे करना हमें, केवल याद करने से नहीं होगा, ये इसका यूज करना हमें। इसका मतलब बेरिलियम प्लस 3 का एनर्जी जो होगा यहां पर कितना होगा? 217.6 अभी कैलकुलेट किए थे, और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? 217.6 हो जाएगा, यानी वो बेरिलियम प्लस 3 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और करता भी तो किसके लिए करता? हाइड्रोजन के लिए करता, या हीलियम प्लस के लिए करता, या लिथियम प्लस 2 के लिए करता, या बेरिलियम प्लस 3 के लिए करता, ज्यादा ज्यादा बोरॉन प्लस 4 के लिए करता, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन आने वाला था, तो इसमें बेरिलियम का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी
अब हीलियम प्लस से, मतलब हीलियम प्लस बोले तो ओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जैसा है, उसका एनर्जी कितना होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर दे रहे हैं, वो हाइड्रोजन को उसको देने के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं था, वो नहीं भी देता तो हम बता ले जाते। देखो कैसे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हीलियम प्लस का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, तो हीलियम प्लस का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा, तो यहां पर मान लो हीलियम प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जंप करके कहां जाना है, इनफाइनाइट में यहां जाना है, तो हाइड्रोजन का हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पर एनर्जी कितना होता है? अब यहां हमने हाइड्रोजन का यूज कर लिया, इसी से रिलेट करके हमने ये वैल्यू लिखा है, या एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो। ये इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू कितना आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? और इसमें आंसर में कैसे दिया है, मोल में दिया है, पर एटम ही दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मोल में नहीं बदलना है, भी ध्यान में रखना कि एटम में दे रखा है कि मोल में दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 13.6 आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा इसका, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर जूल में है। इंटू फोर ये आ जाएगा हमारा जूल में। तो हमने जो उसका डेटा दिया हुआ था हाइड्रोजन वाला, वो हमने इनडायरेक्ट रूप से यूज किया है ऐसे। वैसे भी कर सकते, कई तरीके से बना सकते इसको, इंटू इसमें दिया है जूल पर एटम, हाँ वो भी कर सकते हो, इसमें जूल पर एटम में दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट फोर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? अगर ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्ट किसमें दिया है, जूल में, तो जूल में कितना दिया हुआ है, 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल में दिया है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.18 × 10⁻¹⁸ × 4। देखो तो आंसर मैच कर रहा है क्या, दोनों से मैच कर रहा है ना, तो डायरेक्ट जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू में, वो भी आ जाएगा। तो हाइड्रोजन वाला जो वैल्यू है इसीलिए याद रखना है और उसको यूज भी करना है। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज इतना, कार्बन एटम इज प्लेस साइड बाय साइड स्ट्रेट लाइन क्रॉस 20 सेंटीमीटर, तो मैथ दे दिया, कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि ऐसे कार्बन एटम को रख दिया गया, ऐसे कार्बन एटम को रख दिया गया है, और बताना है कि 20 सेंटीमीटर में कितने कार्बन एटम आएंगे, जबकि एक कार्बन एटम का डायमीटर कितना है, 0.515 नैनोमीटर, तो एक का डायमीटर, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर अपॉन 0.15 नैनोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 10⁻⁷ है, ये सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, इसमें मैथ है तो। IAS की तैयारी करोगे तो आएगा, IAS का प्रिपरेशन करोगे तो आएगा, IAS में रीजनिंग नहीं आता है, IIT और IAS भी बनते हैं, हाँ? हमारे तरफ ज्यादा IIT और IIS बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट रियल फॉर्मेशन अल्फा लाइन लाइमन सीरीज एनर्जी एसोसिएटेड विच ऑर्बिट इन्वॉल्व ट्रांजिशन किलो जूल।
एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन बोले तो फर्स्ट लाइन बोले तो 27। अब इसका एनर्जी कितना होता है, इसका कितना होता है, अब ये किसमें होता है, अब इसमें आंसर किसने पूछा है, किलो कैलोरी पर मोल, मोल में बोला है। तो बस इसमें कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक अवस्थी में भी मिलेगा जिसमें कन्वर्जन है केवल। अब इसको हमें बदल देना है, पहले हम बदल दे जूल में, जूल को बदल दे किलो जूल में चाहे कैलोरी में, और ये पर एटम होता है, मोल भी निकालना है। तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू ये जूल में बदल गया, ये एक एक एटम के लिए है, एक मोल के लिए क्या होगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये क्या हो गया जूल पर मोल। ध्यान रखना इस चीज को, ये कन्वर्जन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल पर मोल में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जूल पर मोल में बदल दिया हमने, इससे मल्टीप्लाई किए तो जूल में बदला और इससे मल्टीप्लाई किए तो मोल में बदल गया। अब मुझे बताओ कि एक जूल में कैलोरी होता है, एक जूल में 4.18 कैलोरी होता है। अब कैलोरी में बदलना है इसको, किलो कैलोरी में आंसर दे रखा है ना, बाद में किलो कैलोरी में बदल देंगे। क्या 1 कैलोरी इक्वल टू, अब ये दिया है जूल में, हमें बदलना है कैलोरी में, क्या कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 इंटू Na डिवाइड बाई, ये किसमें बदल गया, कैलोरी पर। अब हमें बदलना है किलो में, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू, ये कैलोरी है किलो बदलना है, डिवाइड मार देंगे, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था कि हमें कन्वर्जन करना था। अब इसका भी कन्वर्जन इसी तरह से कर देना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का यानी वन ऑर्बिट का और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी आपको किसमें बताना है, किलो कैलोरी पर मोल में बताना है, किलो कैलोरी पर मोल में बताना है। हम किसके लिए याद करवाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में याद करवाया हमने, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दो जूल में, जूल को फिर मोल में बदल दो, जूल को बदल दो कैलोरी में, कैलोरी को बदल दो किलो कैलोरी में, कितना यूनिट यूज करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल, ध्यान रखना ये पर एटम में है, अगर इधर मोल में आए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वन कैलोरी इक्वल टू 4.18 और वन किलो कैलोरी इक्वल टू, यही तीन हमने यूज किया है और एक मोल में बदलने के लिए यूज किया। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑर्बिट का निकालना है, इसका हो गया, इसका भी ऐसे करना है। हाँ कहाँ निकाल गए, डिफरेंस का नहीं बोला है, दोनों का अलग अलग बोला है और आंसर भी अलग अलग दिया है, डिफरेंस का उसने नहीं बोला है, उसने बोला है कि ईच ऑफ द ऑर्बिट मतलब दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम लाइमन इज 16/5 R, व्हाट इज वैल्यू ऑफ N2। तो लाइमन का नाम लिया तो लाइमन में एक फिक्स हो गया ना, कितना दिया इसमें, पॉसिबल नहीं है,
ध्यान देना, उल्टा मैं इन्वर्स कर दिया क्योंकि ये वेलेंथ है और यहाँ वन अपॉन लेमडा होता है। ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई एन टू का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस फाइव बाई सिक्सटीन, ये क्या हो जाएगा, डेंजर आ गया। यहाँ 50 लेना पड़ेगा ना, आंसर क्या दिया इसका, यहाँ आंसर थोड़ा करेक्शन कर लेना, 5 बाई 16 यहाँ मत लिखो, वहाँ 15 बाई 16 कर लो, 15 बाई 16 कर लो, फिफ्टीन बाई सिक्सटीन कर लेना। ओ गलती से हो गया होगा, सॉरी 16 बाई 15 आर करना, वो मैंने इन्वर्स ले लिया यहाँ पे क्योंकि ये लेमडा दे रखा है और ये फॉर्मूला वन अपॉन लेमडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना डी ब्रोगली, अब तो आगे डी ब्रोगली पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन बनाना, इसके इतना क्वेश्चन बना लो कि ये चीजें दिखने लग जाए। अब लेवल टू निकालो होमवर्क, लेवल टू होमवर्क, लेवल टू होमवर्क में प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्वेश्चन नंबर 11, लेवल टू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11-2, कहां तक बनाना है, 27 तक, चलो 11 नंबर। पहले क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं, वो कई दिन से ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज द बामर ऑफ हीलियम प्लस टू, कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, जिसका जो भी ट्रांजिशन होगा उसका जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ हीलियम प्लस के 4 से 2, हीलियम प्लस के 4 से 2 उसका वेवलेंथ मैच कर जाना चाहिए। तो पहले इस चीज को एनालिसिस कर लो कि अगर ये बामर है, इसका जो वेवलेंथ आया वो वेवलेंथ सेम होना चाहिए हाइड्रोजन एटम में, तो उसका ट्रांजिशन कहां से कहां तक माना जाएगा, यही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, क्वेश्चन ये है कि हीलियम प्लस के अंदर 4 से 2 में जो लाइन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ, अब मत सोचना कि इसमें 4 से 2 ही होगा क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस और इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, अलग है, इसीलिए दोनों का वेवलेंथ मैच नहीं करेगा। तो इसका अगर वेवलेंथ मैच करवाना है तो इसमें बताना है कि इसका ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ, सिंपल है, रिजवर्ड लगाओ और दोनों का क्या करो, लेमडा इक्वल करो, इसका भी रिजवर्ड लगाओ, इसका भी रिजवर्ड लगाओ, लास्ट में हीट एंड ट्रायल लगाना है, तो दोनों का लेमडा बराबर करो, इसका लेमडा और इसका लेमडा बराबर करो, इसमें मान के चलो कि कहां से कहां हुआ है, N2 to N1, इसमें मान लो हाइड्रोजन में,
हमें नहीं मालूम है कि एन टू क्या है और एन वन क्या है। इसका लेमडा निकाल दो, वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, और इसका लेमडा इक्वल करो चाहे वन बाई लेमडा इक्वल करो, बात बराबर है, समझ में आया क्या? लेमडा इक्वल करो या वन बाई लेमडा इक्वल करो, दोनों बराबर ही होने वाला है। आर जेड स्क्वायर हीलियम के लिए है ना, हीलियम के लिए टू का, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर, ये दोनों को इक्वेट कर दो, आर से आर गया, अब बच गया ये वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ गया फोर, और ये क्या आ गया डायरेक्ट बोलो, वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन सिक्सटीन आएगा ना, ये कितना आएगा थ्री बाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आया वन अपॉन एन वन का स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन टू का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से हीट एंड ट्रायल लगाओ, ऑप्शन चुनो किसका वैल्यू पुट करने के बाद थ्री बाई फोर आ रहा है, किसका एन वन एन टू का वैल्यू एग्जेक्ट नहीं, दो अननोन है ना और इक्वेशन एक ही है, हीट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। एन वन क्या ले लू मैं वन, इसको क्या ले लू टू, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर क्या आता है थ्री बाई फोर, यानी एन वन जो हो जाएगा, एन वन हो जाएगा वन और एन टू हो जाएगा टू, यानी इसका बामर लाइन का कौन सा बामर है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज और इसका फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का लेमडा बराबर होगा। यहां से हीट एंड ट्रायल मारेंगे क्योंकि एक दो अननोन है और इक्वेशन एक ही है, हम सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, इस बार टेस्ट में आ भी रहा है ना फोटो इलेक्ट्रिक, प्लैंक तक आ रहा, प्लैंक के अंदर ही फोटो इलेक्ट्रिक है, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक और सब आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग मेटालिक सरफेस इतना है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इतना है, वर्क फंक्शन क्या है, दोनों में से वैल्यू में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, यहां पर जो स्ट्राइक हो रहा है उसके अंदर जो एनर्जी दिया वो कितना दिया है 5.6 × 10⁻¹⁹ और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो है 12 × 10⁻²⁰ जूल, तो ये 5.6 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 × 10⁻²⁰, ये निकाल देना है, तो सिंपल है। निकल जाएगा ना इसमें कैलकुलेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट दी आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम किलो जूल पर मोल, इसको कैसे करेंगे, सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करने के लिए एक के लाइट को भेजा गया, एक रेडिएशन को दिया गया जिसका वेवलेंथ कितना है, जिसका वेवलेंथ है 484 नैनोमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जम करवाना है सोडियम एटम के अंदर, तो जो लाइट आ रहा है उसका हम क्या निकाल लें एनर्जी, तो इसका एनर्जी निकाल लो, क्या हो जाएगा इसका एनर्जी एस सी अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुट कर लोगे ना यहां से, ये एनर्जी निकल जाएगा। अब ये जो एनर्जी निकला
और जो सोडियम एटम से निकालेंगे वो एक एटम के लिए होगा ना, एक एटम के लिए होगा ना। अरेंसन में क्या बोल रहा है, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ के बाद अब एनर्जी कन्वर्जन है, यहां से जो हम वैल्यू अगर पुट करेंगे 6.6 × 10⁻³⁴ × 3 × 10⁸, ये हो गया जूल और ये हो गया सेकेंड, और ये मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड से सेकेंड गया, और नीचे लेमडा का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, मीटर में। जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, जूल में आएगा। अब पर एटम आएगा तो मोल के लिए बोला है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 1000 से, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको एन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके किलो जूल पर मोल में आएगा। तो कल बना के लाना ये लेवल 2 वाला कंप्लीट, ठीक है, बच नहीं गया इसमें, तो कल हम लेवल 3 डिस्कस करेंगे, बराबर है क्या। और पेपर में प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ब्लैक बॉडी सब आएगा, ब्लैक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिक सब आएगा, ईएमआर आइसोटॉप्स वगैरह सारे आ रहे हैं, उसका क्वेश्चन अवस्थी से, वॉल्यूम से और एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन 100% आएगा।